आप लोग जानते ही हैं कि रजत और मैं बहुत बड़े AOT टार्ट्स हैं। अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट एपिसोड देखा था, आई वाज कंप्लीटली ब्लू। नजरों में ऐसा कर पाया है वो है, लेकिन जिस तरह से अटैक ऑन टाइटन में दिखाई जा रही है, विल बिकम द एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट एनीमे। इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं जोजो और उसके अतरंगे एडवेंचर्स। इस कहानी का सितारा है जोतारो, जो जापान शहर में यहाँ वहाँ भटक रहा था। फिर इसके दादा जोसेफ इसे अपने साथ इजिप्ट ले गए, लेकिन इजिप्ट शहर की गलियों में होता है रोज नया उधम। अब जोतारो इन सारी मुसीबतों से छुट्टी दिलाएगा। So I started watching JoJo's Bizarre Adventures because why not? I had to. The fans won't just shut up. नहीं, यही मेरा सोल रीजन नहीं है JoJo's Bizarre Adventure देखने का। मैं एक्चुअली काफी समय से प्लान कर रहा था, क्योंकि JoJo's Bizarre Adventures is a very popular and well renowned Japanese manga franchise by Hirohiko Araki। और इस franchise में कदम रखते ही मैंने काफी सारी अच्छी अच्छी बातें भी सीखी। मुझे पता चला कि दुनिया असल में दुनिया नहीं है, ये तो JoJo का reference है। Everything is JoJo's reference. कण कण में JoJo's reference, हर घर में JoJo's reference. You know that day I killed my dog? हाँ, वो करने के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी था, but then I realized that holy shit, it's a mother JoJo's reference. एंड इस रियलाइजेशन के बाद इंस्टेंटली मेरा कष्ट काफी ज्यादा हल्का हो गया। सो ऑलवेज रिमेम्बर किड्स, व्हेनेवर समवन डाइज इट्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेटिंग इन टू द JoJo फ्रेंचाइजी कैन बी हार्ड। हाँ, मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इस सीरीज का रिसेप्शन, कि लोग इस सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं। वेल, इफ यू हैव वॉच्ड JoJo's Bizarre Adventures, देन मैं इंस्टेंटली बता सकता हूँ कि आपकी उसके बारे में सोच क्या है। इधर यू एब्सोल्युटली लव JoJo और यू जस्ट हेट इट विद अ बर्निंग पैशन एंड हेट एवरीवन हु वॉचेस इट। एंड यस, देयर इज नो इन बिटवीन, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप JoJo's Bizarre Adventures देखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी न्यूट्रल रिव्यू की तलाश करना बंद कर दीजिए, बिकॉज लिटरली आपको वो कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पर, कम्युनिटीज में, कहीं भी नहीं। यूजुअली JoJo फैंस इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे मानो JoJo स्वयं भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, या फिर ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे मानो। सो माई मिशन टूडे इज टू गिव 100% अनबायस्ड एंड न्यूट्रल ओपिनियन ऑन JoJo's Bizarre Adventures। By the way, मैंने अभी तक पूरा फिनिश नहीं किया है, I have just started watching Diamond is Unbreakable. Please, मेरी स्थिति को समझिए। So, first of all, JoJo's Bizarre Adventures is not really that bizarre at all. And नहीं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, और अगर ये कोई क्रिटिसिज्म है तो वो शो के लिए नहीं बल्कि उसके फैन बेस के लिए है। यू नो, अगर आपने JoJo का एक भी एपिसोड नहीं देखा है और आपको इस सीरीज के बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता है, तब आपको लिटरली पता नहीं होता कि आपको इस शो से क्या एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज द फैन बेस डज नॉट हेल्प एट ऑल। दे आर बिजी मेकिंग मीम्स दैट मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। शो कैसा है, किस तरह का है, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। JoJo's Bizarre Adventures खुद उतना बिजार नहीं है जितना बिजार इसका फैन बेस है। असल में देखा जाए तो इस बिजार शब्द को ट्रू मीनिंग देने का काम JoJo के फैन बेस ने ही किया है। सो बिग कुडोस टू द JoJo's फैन बेस फॉर बीइंग एब्सोल्युटली अनोइंग एंड लिविंग अप टू द नेम ऑफ योर सीरीज। ओके, सो बिजार तो नहीं, हाँ मेरा मतलब है कि ये सीरीज काफी ज्यादा बिजार है, लेकिन बिजार इसके लिए कोई डिफाइनिंग टर्म नहीं है। इफ यू आस्क मी, देन JoJo इज एक्चुअली मोर यूनिक देन बीइंग मोर बिजार। एंड यूनिक से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा यूनिक। JoJo's Bizarre Adventures is unique in a very very unique way. The whole idea behind buffed up guys going on adventures and being normal, like most of the times. अगर आप फर्स्ट टाइम वॉचर हो तो आपको इसकी आर्ट स्टाइल और मोर स्पेसिफिकली द कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग सकता है, बट हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बिकॉज जब आप JoJo देखना शुरू करते हो तब आप ऐसे होते हो, और जब आप इस सीरीज से काफी ज्यादा फेमिलियर हो जाते हो तब एक सर्टन पॉइंट पर जाकर आप ऐसे हो जाते हो। मैं भी हो चुका हूँ। वेल, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आई वॉज सो रॉन्ग अबाउट दिस सीरीज। याद है बचपन में जब हमने फर्स्ट टाइम रेसलिंग मैचेस देखना शुरू किया था, तब हमें यही लगता था कि मतलब ये जो लोग हैं रिंग के अंदर, ये जो लड़ रहे हैं, ये इंसान तो हैं बट इनके अंदर दिमाग नहीं है, दे आर बेसिकली लाइक मॉन्स्टर्स और सम काइंड ऑफ
बट देन आप उन्हें रिंग्स के बाहर देखना शुरू करते हो लाइक इन इंटरव्यूज और मूवीज एंड तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं दे आर एक्चुअली वेरी फेयरली ह्यूमन जस्ट लाइक अस। और यही सेम चीज मेरे साथ जोजोस बिजार एडवेंचर्स देखते हुए हुई। सॉरी इफ आई ऑफेंडेड एनीवन। द कैरेक्टर्स इन जोजोस बिजार एडवेंचर्स डिस्पाइट देयर पफ्ड अप लुक्स दे एक्ट फेयरली नॉर्मल एंड नॉट जस्ट नॉर्मल एंड आई डोंट इवन नो इफ दिस काउंट्स एज अ प्रेज फॉर द सीरीज। कैरेक्टर्स जोजोस बिजार एडवेंचर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट है। लुक जोजोस बिजार एडवेंचर्स अगर हम बात करें स्टोरी लाइन और प्लॉट के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट्स में से एक है। द फर्स्ट सीरीज Phantom Blood, which is only 9 episodes and works as a foundation for the rest of the series. Despite the fact कि ये JoJo's Bizarre Adventures franchise का ही हिस्सा है, लेकिन ये JoJo's Bizarre Adventures का true nature नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि आप ये शुरू के 9 episodes bear कर लेना किसी भी तरह से, क्योंकि हो सकता है कि आपको JoJo का first part जो कि सिर्फ 9 episodes का है वो बिल्कुल भी पसंद ना आए। Majority भी यही कहती है। Well, personally मैं काफी हद तक agree करता हूँ कि हाँ ये JoJo का weakest part है, but वो काफी ज्यादा generic था, predictable था, one dimensional था, but it was what it was. सिर्फ 9 एपिसोड्स हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज 9 एपिसोड्स के बाद आता है बैटल टेंडेंसी द सेकंड पार्ट ऑफ जोजोस बिजार एडवेंचर्स। नाउ बैटल टेंडेंसी ही वो पार्ट है जहां पर जोजोस बिजार एडवेंचर्स सीरीज का ट्रू नेचर सरफेस होना शुरू होता है। बैटल टेंडेंसी बिगिंस टू जस्टिफाई द टर्म बिजार बिकॉज इट हैज जोसेफ जोस्टार। JoJo's Bizarre Adventures Battle Tendency काफी यूनिक है, ये काफी ज्यादा बिजार है एंड इट हैज अ पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन। लेकिन बिल्कुल अपने फर्स्ट पार्ट Phantom Blood की ही तरह ये भी एक सिंगुलर कैरेक्टर पर ही फोकस्ड है, सो दिस इज नॉट कम्प्लीटली JoJo's Bizarre Adventures yet. Well, अब मुझे सीरियसली नहीं पता कि मेरे ओपिनियंस क्या है Battle Tendency को लेकर, बिकॉज काफी सारी वियर्ड चीजें होती है इन 15 एपिसोड्स में जिन्हें डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज नॉट अ वर्क ऑफ वेरी ओवर आर्किंग जीनियस एंड एपिक स्टोरी लाइन। इनफैक्ट ये ऐसा है कि अपना दूध का ग्लास उठाओ, अपनी चेयर पर टिकाओ एंड देन टर्न ऑफ योर ब्रेन एंड रिलैक्स। अगर आपको बैटल टेंडेंसी उसके फुल पोटेंशियल पर एंजॉय करना है देन यू मस्ट रियली लाइक जोसेफ जोस्टार एंड लेट मी टेल यू अ फैक्ट अबाउट हिम, एवरीवन लाइक्स जोसेफ जोस्टार, खास करके उसके बैटल करने का तरीका जो कि उसकी पर्सनैलिटी से ही आता है। जोसेफ जोस्टार अपने एनिमी को आमने सामने फेस भी करता है, वो चालबाजी भी करता है, धोखाधड़ी भी करता है एंड समय आने पर वो भाग भी जाता है। वेल ही इज अनप्रिडिक्टेबल एंड दैट्स व्हाई एवरीवन लव्स हिम। एंड मैं सिर्फ बैटल टेंडेंसी के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी बैटल इन द एंटायर जोजो फ्रेंचाइजी इज अमेजिंग एंड इसका रीजन है जोजो के कैरेक्टर्स का फाइट करने का तरीका एंड इसका पावर सिस्टम। वेल जोजोस बिजार एडवेंचर्स में दो पावर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट द हार्मोन एनर्जी जो कि ज्यादा समय के लिए रेलेवेंट नहीं रहती स्टोरी में, और ऐसा इसीलिए बिकॉज इट वॉज वेरी बेसिक जस्ट लाइक की और चाकरा, जिसके पास ज्यादा है वही जीतेगा। वेरी सून इन पार्ट 3 ऑफ जोजोस बिजार एडवेंचर्स दिस पावर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड विथ स्टैंड्स एंड मुझे ये चॉइस सीरियसली बहुत ज्यादा पसंद आई। इट मेड एवरीथिंग लाइक 100 टाइम्स मोर इंटरेस्टिंग। स्टैंड पावर्स यूजुअली काफी ज्यादा वियर्ड होती है और वही उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आराकी फॉर बीइंग सो क्रिएटिव। इन 80s और 90s दिस गाय वॉज कमिंग अप विद दीज आइडियाज जो आज के समय में भी इतना ज्यादा क्रिएटिव लगता है। लाइक द ओनली कॉम्पिटिशन आई कैन थिंक ऑफ इज हंटर हंटर एंड हंटर हंटर की क्रिएटिविटी भी मोस्टली जोजो से ही इंस्पायर्ड है। सो हम कह सकते हैं कि जोजो अपने आप में एक लौता है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव बैटल आइडियाज। लाइक इट इज सो इनसेनली क्रिएटिव। हर एपिसोड में एक नया स्टैंड यूजर बेसिकली एनिमी अपीयर होता है एंड उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। ही कैन बी रिडिक्युलसली ओपी एंड ओपी से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसके पास इतनी पावर होगी कि वो प्लेनेट को तबाह कर सकता है, नहीं। हिज एबिलिटी कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन नॉट इमेजिन। हो सकता है वो अपने एनिमीज को किसी सर्टन मटेरियल में ट्रैप कर सकता है या फिर वो उनकी बॉडीज को ही डिफॉर्म कर सकता है, एनीथिंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन स्टैंड यूजर्स की पावर्स को पहली नजर में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे डिफीटिंग दिस गाय इज इम्पॉसिबल, बट आराकी नोज व्हाट ही इज डूइंग। इवेंचुअली समथिंग हैपेंस एंड दैट समथिंग इज द बेस्ट थिंग अबाउट द बैटल्स ऑफ जोजोस बिजार एडवेंचर्स पार्ट 3 स्टारडस्ट क्रूसेडर्स। आपने अब तक जितनी भी जोजो मीम्स देखी हैं उसमें से 90% मीम्स इस पार्ट में से ही निकल कर आती है। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक एंड द मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ जोजो फ्रेंचाइजी।
एंड ये कम्प्लीटली डिजर्व भी करता है. वेल स्टोरी वाइज मैं कहूंगा कि मेरा ओपिनियन कुछ अलग नहीं है पहले दो पार्ट के मुकाबले. इट फॉलोज अ वेरी 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 सिंपल स्टोरी. एक बहुत ही सिंपल सा ओवरआर्किंग प्लॉट है और बीच में छोटे छोटे दो दो एपिसोड के ऑब्स्टिकल्स है. वेल इट इज वेरी एपिसोडिक, बट जो चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसके बैटल सीन्स एंड द कैरेक्टर. एंड अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाते हो देन आपको जोजो से प्यार हो जाएगा. एंड अगर आप इस चीज में फेल हो जाते हो देन आप सिर्फ एक हेटर बनकर रह जाओगे. एंड हेटर्स के लिए गॉन कुछ कहना चाहता है. वेल मुझे पता है कि जोजोस बिजार एडवेंचर हमें क्या फीड करना चाहता है और मैं वही चीज कंज्यूम भी करता हूँ. आई डोंट केयर अबाउट ऑफ एपिक फिलोसॉफिकल स्टोरी. मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त जब मैं जोजो देख रहा हूँ. एंड इवन इन जोजो इटसेल्फ मेन प्लॉट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टर्स का ये बिजार एडवेंचर है. मुझे ऑब्वियसली इस बात से फर्क पड़ता है कि डियो कहाँ पर है, कैसा है और उससे मिलने पर क्या होगा. लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि मेरी बेबी डॉल पोलनरेफ कहाँ पर है. Speedwagon is not the best waifu. Polnareff is the best waifu. Fight me, JoJo fans. Also, girls, if you're ever getting a man for yourself, make sure he's like Kakyuri. सो अपेरेंटली मुझे ये वीडियो बनाने में इतना समय लग गया कि आई फिनिश्ड डायमंड इज अनब्रेकेबल. तो मैं जा रहा हूँ उस पर वीडियो बनाने. आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस पर कर देना जो भी करते हैं. एंड सब्सक्राइब. वी आर ओनली 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम 1 मिलियन. हेल्प अस. मसाला और अच्छा सब कुछ डाला. आदर्श गंदी लड़कियों को बनाने के लिए इन चीजों को चुना गया था. लेकिन इस रहस्यमय रचना में प्रोफेसर यूटोनियम से अनजाने में एक और चीज भी गिर गई. केमिकल एक्स. और इस तरह पावरफुल गर्ल्स का जन्म हुआ.